हरे कृष्णा। कभी कभी ये प्रश्न आता है, भक्तगण प्रश्न पूछते हैं कि भगवान तो सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार है जैसे पानी तो सब जगह है लेकिन फिर भी हमको हैंड पंप चाहिए पानी पीने के लिए, हवा सब जगह है लेकिन फिर भी हमको पंखा चाहिए हवा लेने के लिए। इसी प्रकार भगवान सब जगह हैं लेकिन फिर भी एज ए पर्सनैलिटी हमको मंदिर चाहिए, जहाँ भगवान की हम आराधना कर सकते हैं, जहाँ भगवान की हम पूजा कर सकते हैं, जहाँ आप जैसे हवा से देख के आप पानी सब जगह है लेकिन आपका प्यास बुझाने के लिए आपको हैंड पंप पे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको मन की शांति के लिए, आपको आपको जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करना है। हालांकि भगवान सब जगह है, अपनी शक्ति के माध्यम से, भगवान के अनंत शक्तियाँ हैं, शक्ति के माध्यम से भगवान सब जगह हैं लेकिन एज ए पर्सनैलिटी वो क्या है, मंदिर में है। तो मंदिर है, और हम इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, अगर भगवान सब जगह है तो भाई मंदिर में क्यों नहीं है? अगर सब जगह भगवान है ही हैं तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर से भगवान को प्रॉब्लम है क्या? मंदिर से दुश्मनी है क्या भगवान को? वहाँ तो ज़्यादा होना है कि नहीं? तो ये प्रश्न अगर आप खुद ही हम प्रश्न बोल रहे हैं और खुद ही हम आंसर दे रहे हैं उसका। भगवान को मंदिर से कोई एलर्जी नहीं है, उल्टा अच्छा है, भगवान के भक्त आते हैं वहाँ, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। लेकिन फिर अब प्रश्न ये आता है, सेकंड प्रश्न ये आता है कि ठीक है भगवान मंदिर में है लेकिन हमारे हृदय में तो मंदिर है, ना स्वामी जी, हमारे हृदय में मंदिर है, हम हृदय से भगवान की भक्ति करें, हम अंदर ही करते हैं भगवान की भक्ति, 24 घंटे हमारे अंदर भगवान का नाम चलता रहता है, है ना? तो इसलिए हमको बाहर 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 क्या है, सब कुछ तो अंदर ही है। तो इसका हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको शुरू में एक ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे बच्चा को हम स्कूल भेजते हैं, बच्चा अपने से पढ़ के ज़्यादा नहीं सीख सकता है, कोई बच्चा अपने से नहीं सीख सकता है, लेकिन उसको स्कूल में जाना पड़ेगा। स्कूल में क्या मिलेगा उसको? एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा उसको, उसको प्रॉपर एसोसिएशन मिलेगी उसको, वो देख रहा है कई लोग जो हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन चलता है। इसी प्रकार मंदिर में हमको जाना चाहिए, है ना? और अगर हृदय में कोई चीज़ है तो उसको बाहर दिखाना चाहिए, सेवा करें। हर चीज़ सब दिखाते ही हैं, अब कोई बोलते हैं हम दिखाते नहीं हैं, अंदर क्या चलता है वो सबको पता है, अंदर क्या चलता है कि नहीं? भगवान की सेवा करने के लिए, जैसे हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान अंदर चलते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। हम जैसे मान लो एक पति पत्नी के लिए क्या करता है, गिफ्ट लेके आता है, कुछ उसको गिफ्ट देता है। जैसे मान लो हम कोई बच्चे का केक काटते हैं बर्थडे पे, हम ये नहीं बोलते बच्चे को, नहीं नहीं आपको हृदय में हम बहुत प्रेम करते हैं, संतुष्ट रहो, क्या ज़रूरत है केक काटने की? और केक का, बच्चे का, बर्थडे का क्या संबंध है? अब बोलो नहीं आपसे प्रेम करता हूँ, नहीं, जिसको आप प्रेम करते हो उसको आप एक्सप्रेस करते हो बाय गिविंग द गिफ्ट्स, वैल्यूएबल गिफ्ट्स उनसे मिलते हो। तो इसी प्रकार जो है भगवान वो अंदर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, लेकिन हम एक्सप्रेस करते हैं भगवान, यस आई लव यू, ओ माय लॉर्ड आई लव यू, कैसे? जो भगवान चाहते हैं, भगवान की सेवा करके, भगवान के भोग लगा के, भगवान का जप करके, भगवान गीता पढ़ के हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं। अंदर है हमारे भगवान में, है ना, लेकिन हमें उसको एक्सप्रेस करना है। अब बोले फिर दिखाने की जरूरत क्या है बाहर? नहीं, संसार में दिखाते ही हैं सब कुछ, कौन नहीं दिखाता है संसार के अंदर, तो अच्छी चीज़ को दिखाना चाहिए। जैसे बाहर लोग, आज के लड़के जाते हैं बाहर जिम करते हैं तो बॉडी दिखाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, और एब्स बनाते हैं, तो जाते हैं जिम क्या करने के लिए? और बाहर टाइट टी शर्ट पहन के दिखाते हैं, तो हम नई घड़ी लेते हैं तो हम दिखाते हैं, नई कार लेते हैं तो हम दिखाते हैं, तो इस संसार में तो दिखावा ही चल रहा है सारा, है कि नहीं? लेकिन हम अच्छे भगवान के प्रति अपनी भावना को भगवान के सामने क्यों नहीं दिखा सकते, है ना? तो ये सब जो है वो ये आर्गुमेंट्स हैं कि हम भगवान के पास क्यों नहीं आए। इस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में हैं लेकिन क्या हमने रियलाइज़ किया है उसको? अगर भगवान हृदय में हम रहते हैं तो हम आज के संसार में लोग गलत काम नहीं करते इतना,
इतना जो है 1 मिलियन पीपल कमिटिंग सुसाइड एवरी ईयर्स, 1 मिलियन लोग आत्महत्या करते हैं हर साल के अंदर। अगर उनके दिल में भगवान चलता रहता है तो इतना खुशी है तो इतना ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? लोग हाँ डाइवोर्स होते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हाँ ये सब जो है वो बीमारियाँ चल रही हैं संसार के अंदर, लाइफस्टाइल हाँ जो बीमारियाँ चल रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, उसको इस तरह से हाँ हमको हमारे हृदय में है तो हमको एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ भगवान का नाम लेके, भगवान की गीता पढ़ के, मंदिर में जाके, मंदिर से भक्तों से मिल के। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।